मॉर्निंग बच्चा, कैसे हो? ठीक है बच्चा। बच्चा आप कभी मेले में गए हैं? मेला आपको पसंद है बच्चों? ठीक है, मेले में कौन कौन सी दुकानें होती हैं, उनके नाम बताओ। हाँ, गुब्बारों की दुकान होती है, मिठाई की दुकान होती है, बहुत सारे खिलौने मिलते हैं, है ना? तो आप किसके साथ जाते हैं मेले में? मम्मी पापा के साथ, फ्रेंड के साथ, दादा दादी के साथ? बराबर। मेले में आपको क्या खाने में पसंद है? ठीक है, पानी पूरी। वाह बच्चों, आपने मेले में कभी कठपुतली का शो देखा है? कठपुतली क्या होती है पता है आपको? एक कठपुतली का पिक्चर है, आपने देखा है? ठीक है, तो हम पाठ चालू करते हैं बच्चों। आज हम मेले के बारे में बहुत सारी जानकारी लेने वाले हैं। आप ये पाठ बहुत सुंदर है, अच्छा है, आपको बहुत पसंद आएगा बच्चों। ठीक है, तो हम पाठ चालू करते हैं। पाठ का नाम है कठपुतली और मेला। तो चलो हम पाठ चालू करते हैं। शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न राज्यों के संस्कृति एवं शिल्प कला की तथा अन्य दुकानें भी सजी हुई थी। बच्चों, महोत्सव शहर का आनंद महोत्सव में बहुत सारे राज्यों की शिल्प कला की दुकानें लगी हुई थी। हम महोत्सव देखने जाते हैं, वहाँ अलग अलग राज्यों के संस्कृति दिखाई जाती है, जैसे कि राजस्थान की अलग होती है, पंजाब की अलग होती है, महाराष्ट्र की अलग होती है। हमारी संस्कृति, हर राज्य अपनी अपनी संस्कृति वहाँ दिखाते हैं, संस्कृति दिखाते हैं, खाने की चीजें दिखाते हैं, शिल्प कला दिखाते हैं। आपको पता है ना, ऐसे कोई महोत्सव में गए थे आप लोग? ठीक है, तो वहाँ बहुत सारे राज्यों की संस्कृति हमें देखने को मिलती है। इनमें विविध कलाओं का, विशेषताओं का दर्शन, खेल प्रदर्शन, मौत का कुआ मालूम है क्या होता है आप लोगों को? मौत का कुआ होता है, जो गोल रिंग होता है, उसमें एक आदमी गाड़ी चलाता है, ऊपर से नीचे तक लेके आता है, नीचे से ऊपर तक लेके जाता है। मेले में ये मौत का कुआ देखने के लिए बहुत लोग गर्दी करते हैं। आपको पता है ना, वहां पे वो गाड़ी घुमाता है, उसपे गोल में ऊपर लेके जाता है, नीचे लेके आता है, वो देखा है ना शो आपने? ठीक है, उसको ही मौत का कुआं कहते हैं। छोटे बड़े बड़े झूले, कठपुतली का नृत्य और खाने पीने की दुकानें आकर्षित होती है। और क्या होता है, कठपुतली का शो होता है, कठपुतली का प्रोग्राम हम देखते हैं ना मेले में। और खाने पीने की बहुत सारी चीजें होती है मेले में। सबसे ज्यादा क्या चलता है, खाने पीने की चीजें खाने के लिए आते हैं लोग। वहाँ हर राज्यों के अलग 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 खाना आता है, अलग 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 तरह की मिठाई होती है, तो हम उनको टेस्ट करने के लिए वहां जाते हैं। प्रीति अपने मित्र तेजस, प्रसन्न और मृणयी के साथ महोत्सव देखने गई थी। हम क्या करते हैं, हमारे फ्रेंड के साथ जाते हैं ना, तो वही उसी तरह प्रीति अपने मित्र तेजस, प्रसन्न और मृणयी के साथ महोत्सव देखने गई थी। हम सब फ्रेंड्स मिलके जाते हैं ना मेला देखने के लिए, उसी तरह आइसक्रीम का आनंद लेते हुए वह कठपुतली नृत्य कई दुकान के सामने सूत्रधार की आवाज सुनकर रुकी। वह कह रहा था, क्या कर रहे थे वो? मेले में घूम रहे थे, वहां पे आइसक्रीम खाने के लिए रुक गए, तो उनके कान पे आवाज आई, कठपुतली का शो चालू हो रहा है, वो सूत्र संचार कर रहा था, तो उनकी आवाज उनके कान पे पड़ गई। आओ आओ सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, दिखाओ इसमें तुम चतुराई, कर लो आज मोटी कमाई। वो क्या बोल रहा था, आओ आओ बहन भाई, शकुन अपशकुन। शकुन क्या होता है,
शुभ और अपशकुन क्या होता है, अशुभ ऐसा मानते, ऐसा बन के होता कुछ नहीं है लेकिन हम मानते हैं, बराबर। तो ये हम आगे देखेंगे अशकुन अपशकुन क्या होता है। तो ये कठपुतली के शो द्वारा क्या दिखा रहे थे, शकुन अपशकुन दिखा रहे थे। प्रीति ने देखा बाजू में एक बोर्ड रखा था जिस पर लिखा था आइए आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपए लेके जाइए। वहाँ क्या किया था, एक बोर्ड लगा हुआ था उस पर लिखा था आइए आइए हमें गलत साबित कीजिए और 1000 रुपए लेके जाइए। प्रीति ने सोचा यह कौन सा बड़ा काम है, चलो आज आजमाते हैं। प्रीति ने अपने मित्रों के साथ अंदर गई तो देखा देखती क्या है, आजमाना यानी देखना, करके देखते हैं, आजमाना यानी करके देखते हैं। कुछ कठपुतलियां रंग बिरंगी पहनावे पंख आंखों में आंखें मटकाती हुई इधर से उधर आ जा रही थी, लोगों का स्वागत कर रही थी, सूत्रधार के वाक्य को देख दोहराती रहती। आवाज तो विद्यार्थियों की है पर लगता है कि कठपुतली बोल रही है। बच्चों कठपुतली बोल नहीं रही थी, वहां उसका सूत्र संचालन कोई और कर रहा था, कठपुतली खुद से नहीं, उस पे जो धागा होता है उसको हिलाने से कठपुतली अपने हाथ पैर हिलाती है, बराबर है ना। तो सूत्र संचालन दूसरा कर रहा था लेकिन ऐसा लग रहा था कि कठपुतली ही बोल रही है। बच्चों कठपुतली बोल सकती है क्या, नहीं, दूसरा ही बोलता है लेकिन हमें लगता है कि कठपुतली ही बोल रही है। तभी एक कठपुतली का हाथ में एक नारियल लेकर आई और कहने लगी बहनों और भाइयों तथा साथ में आई भाभियों नमस्कार प्रणाम वेलकम। किसी भी नए कार्य को प्रारंभ करने से नारियल तोड़ा जाता है। हम किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले क्या करते हैं, नारियल तोड़ते हैं। उसी तरह कठपुतली क्या हाथ में नारियल लेकर क्या बोली, आइए हम प्रोग्राम चालू करने से पहले क्या करते हैं, नारियल तोड़ते हैं। उसने जोर से नारियल जमीन पर पटका, उसने क्या किया, पटका यानी फेंका, नारियल जमीन पे पटका। अरे ये क्या, नारियल से तो फूल। आश्चर्यचकित होकर कठपुतली बोली देखो अंधविश्वास, नारियल से फूल निकले। इस पर सूत्रधार बोला देखो यह है हाथ की सफाई। बच्चों हाथ की सफाई है ना, हाथ धोना पोछ लेना ये नहीं होता, हाथ की सफाई यानी जादू मैजिक करना, उसको जादू को क्या बोलते हैं, हाथ की सफाई बोलते हैं। सूत्रधार ने बताया कि नारियल में 3 छेद होते हैं, छेद यानी आंखें, नारियल के ऊपर जो 3 छोटे-छोटे गोल होते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, नारियल की आंख बोलते हैं। उनमें से किसी एक छेद को सिलाई की सहायता से खोलकर शाम को उसमें मोगरे या चमेली की कलियां अंदर पहुंचाई जाती है। क्या करते हैं, जो नारियल की जो 3 आंख होती है यानी छोटे छोटे जो गोल होते उसको क्या करते हैं, एक आंख को उसको गोल, एक गोल को क्या करते हैं, सिलाई के उसको चुबाते हैं और उसका वो ऊपर का कवर निकाल देते हैं, उसमें चमेली की या मोगरे की कलियां डाल देते हैं। प्रयोग के समय तक उसे खिल जाती है, क्या होता है वो रात भर उसमें ही रहती है और सुबह जो प्रोग्राम होता है प्रयोग होता है तब वो रात भर उसमें रहने की वजह से सुबह वो खुल जाती है। तो क्या हुआ, नारियल में फूल बन गए। जिसे लोग अंधश्रद्धा समझते हैं कि हम क्या करते हैं, देखो नारियल से फूल निकल गए, उसको क्या बोलते हैं, अंधश्रद्धा बोलते हैं। नारियल से कभी फूल निकल सकता है क्या बच्चों, नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उस छोटे से गोल
गोल में रात को ये चमेली की और मोगरे की कलिया डाल दी और सुबह उसके फूल बन गए। और नारियल तोड़ने पर क्या निकला? नारियल से फूल निकल आए। जिसे लोग अंधश्रद्धा समझते हैं, ऐसे ही बाण आदि का प्रयोग कर लोगों को डराते हैं। क्या करते हैं अंधश्रद्धा, ऐसे ही लोग क्या करते हैं, अंधश्रद्धा फैलाते हैं और लोगों को डराते हैं। इतना ही कहते हैं कि सभी कठपुतलियां कमर मटकाते हुए गाने लगे। ये दिखाकर कठपुतलियां का क्या करने लगे, कमर हिलाने लगी। देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, नारियल में जो खूबी दिखाई, देखो सभी के समझ में आई। देखो देखो बहन भाई, शकुन अपशकुन की लड़ाई, नारियल में जो खूबी दिखाई, देखो सभी के समझ में आई। आपको समझ में आया ना, नारियल से कैसे फूल निकले? यस, उसी को क्या कहते हैं, शकुन अपशकुन कहते हैं। तभी एक काली बिल्ली इन कठपुतलियों के सामने से भागी और सारी कठपुतलियां डिटकर खड़ी हो गई। उसमें से एक मुंह पर हाथ रखकर बोली, हाय हाय, लो अब तो हो गया कार्यक्रम का बट्टाधार। कठपुतली का कार्यक्रम चल रहा था, उनके सामने से क्या गया, काली बिल्ली गई। काली बिल्ली को बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, आप शकुनी बोलते, हमारे बुजुर्ग बोलते हैं, चलो बिल्ली ने रास्ता काट लिया, आपका काम नहीं होगा, ऐसा बोलते हैं। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता। वैसे ही कठपुतली क्या बोली कि अब तो काली बिल्ली हमारे सामने गई, अब कार्यक्रम नहीं होगा, बट्टादार यानी अच्छा नहीं होगा। दूसरी कठपुतली बोली, क्यों क्या हुआ बहन? पहली कठपुतली बोली, अरे देखा नहीं, काली बिल्ली ने रास्ता काटा। कठपुतली क्या बोलती है, तूने देखा नहीं, काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया। तो क्या होता है, ऐसा समझ, पहले लोग समझते थे कि काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो हमारा काम नहीं होगा। तभी सूत्रधार ने प्रवेश कर बताया कि देखो बिल्ली को कहां उसका प्रिय हद्दी चूहा दिखा, जिसे देखकर बिल्ली उस पर उसे पकड़ने को लपकी, उसने जानबूझकर तुम्हारा रास्ता नहीं काटा है। सूत्रधार के इतना ही कहने से कठपुतली आकर गाने लगी। सूत्रधार ने क्या किया, उसको चूहा दिखाई दिया वहां पर, तो उसको चूहे को पकड़ने के लिए उधर गई, उसने आपका रास्ता नहीं काटा। देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, बिल्ली मौसी जब सामने आई, भगदड़ सबने खूब मचाई। क्या किया, काली बिल्ली कठपुतलियों के सामने से गई तो कठपुतली क्या हो गई, घबरा गई, हमारा रास्ता काटा, हमारा कार्यक्रम अच्छा नहीं हो, ऐसा लगा। लेकिन सूत्रधार ने उनको समझाया कि आपका रास्ता नहीं काटा, उसने वो चूहे को पकड़ने के लिए वहां से गई। सारे दर्शकों ने तालियां बजाने लगे। तभी एक कठपुतली आछी अच्छी अच्छी कर छीकते हुए आई। एक बार फिर नाचती हुई सारी कठपुतलियां डर कर रुक गई। एक कठपुतली ने क्या किया, उसको छींक आ गई, तो अच्छी अच्छी करके छींक डूबने लगी, तो सारी कठपुतलियां वही रुक गई। तभी दूसरी बोली, अरे अरे फिर अपशकुन, छींकने से कभी अपशकुन होता है क्या बच्चों? नहीं होता, छींकना अपशकुन नहीं होता। आज तो समझ सचमुच ही सारे कार्यक्रम नहीं, सारा कार्यक्रम नहीं होगा, चलो चलो। तभी सूत्रधार उन्हें रोकते हुए बोला, दोस्तों हम भी